काफ़ी लोगों ने ये सुना है और लोगों ने बोला है कि ये जो शॉप है बाबा जी के पास बहुत पैसा आ गया है, इस वजह से उन्होंने शॉप खरीद ली है नई और नया घर ले लिया है। तो पहले तो सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि ये शॉप जो है ये रेंटेड शॉप है और जो घर लिया गया है वो भी रेंटेड है, जिसमें विकास वासन जो हैं उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया था और उन्होंने ही मोस्टली प्रॉपर्टीज़ में खुद विजिट करके ये चीज़ें दिलाई इन्हें बाबा जी को रेंट पे। तो उनका पहले तो धन्यवाद है इस चीज़ का कि उन्होंने हमेशा बाबा जी का साथ दिया उसमें, नो डाउट कि वो कोऑपरेटिव उन्होंने काफ़ी किया तभी जाके बाबा जी आज यहाँ इस लेवल पे आए हैं। बाकी बाबा जी उसमें कुछ कहना चाहते हैं बोलिए बाबा जी। मैं आप लोग आपसे जानना चाहता हूँ, क्या गौरव वासन ने वाकई बाबा जी के साथ दिल बात करके बोलेगा कि वाकई गौरव वासन ने गलत मानसिकता के साथ इनके हेल्प करने की प्लानिंग कहेंगे आपके हिसाब से तो प्लानिंग की थी? मुझसे पूछे इनसे आपसे बता दीजिए सर, क्योंकि अब तो बाबा जी लोग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाबा जी बोल देंगे, लेकिन बाबा जी थोड़े से वो समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन का वे किस वो में जा रहा है। तो मेरा कहना ये है कि आप कह रहे हैं कि उनकी प्लानिंग क्या थी उस टाइम, हम ये नहीं कह रहे कि गौरव जी गलत हैं, हम ये नहीं कह रहे कि गौरव जी की इंटेंशन गलत है, हम ये कह रहे हैं कि ये इशू सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से उठ गया। और गौरव जी को मेरा ये कहना था कि गौरव जी को शायद काफ़ी पहले ही इनके पास आके इनकी चीज़ें दे देनी थी, इसकी बजाय कि वो मीडिया हाउसेस को और फेसबुक और सोशल मीडिया पे अपनी बैंक स्टेटमेंट डालें और उसको दें। इससे अच्छा वो कोरियर की सर्विस ले सकते थे, अगर इनके पास पसंद नहीं था किसी अपने फ्रेंड को भेज सकते थे और इनसे क्लेरिफाई कर सकते। सवाल भी सोशल मीडिया और ऑनलाइन ही मांगे जा रहे थे, इसलिए उन्होंने जवाब भी ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर ही दे दिया। अगर आप भी बाबा की तरफ से ना तो कुछ पूछा गया और ना ही कुछ बताया गया, बाबा जी ने तो ये भी नहीं पूछा कि मेरे अकाउंट में पैसा कितना आया गौरव वासन जी जरा बता दीजिए, तो जवाब उनको सोशल मीडिया जो उनका क्रेडेंशियल बन रहा था, जो जवाबदेही बन रही थी वो सोशल मीडिया के लोगों से ही बन रही थी, तो उन्होंने वहां क्लियर किया। बाबा जी ने एक भी बार शायद उनको बुलाया भी नहीं जवाब जानने के लिए, बाबा जी बुला लेते शायद वो आ भी जाते सर वो, और उसके बाद डायरेक्टली वो आपको वकील हायर करते हैं, मैनेजर को हायर कर लेते सर। मैं इसमें भी क्लियर करता हूं, आपने अच्छा पॉइंट कहा लास्ट का, मैनेजर और वकील हायर कर लेते हैं सर। I am working as a pro bono advocate. सिंगल रुपीज मैंने अभी तक चार्ज नहीं करा, शायद मेरी जेब से पैसे लगे। मैनेजर इज ऑल्सो वॉलंटियर, ये लड़के बेचारे खड़े हैं सारे वॉलंटियर हैं सर, एक रुपये चार्ज नहीं किया, गलत फैलाया जा रहा है। क्योंकि एक मैंने देखा था प्रवीण पुणे वाला जी ने एक वीडियो डाला था और उसमें कहते हैं कि मेरे साथ एक्सपीरियंस था एक वकील का, 5,000 रुपये का मेरी गाड़ी उठी तो 5,000 लग गए, वकील बड़े कॉस्टली होते हैं। तो ऐसे वकील भी हैं मेरी फैटर्निटी में, बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं जो शायद प्रो बोनो अभी भी कर रहे हैं, और आपने बहुत सारे एग्जांपल बींगे, आप रिपोर्टर आपने देखे हैं बहुत सी सेवा बहुत कर रहे हैं वकील लोग, ऐसा नहीं है कि सब पैसे के लिए भाग रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, काम चल रहा है सबका अच्छा चल रहा है, सेवा भी कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पे जो डाला आप लोगों ने, जो आप ये कह रहे हो कि डिफेंड कर रहे हो कि सोशल मीडिया से क्रिटिसाइज हो रहे थे इसलिए उन्होंने डाला, तो सर आपकी मेरी जब कोई लड़ाई होती है तो आपको पहले मुझे क्लेरिफाई ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, क्यों कंप्लेंट तो मैं डालूंगा सोशल मीडिया आपके खिलाफ। बाबा तो जवाब दे दीजिए ना, ये सब मैंने बोला उन्हें दे दीजिए, ले लीजिए बाबा से मैं खुद का वो उनके घर पे सर। नहीं मैंने नहीं बोला, आप सुनिए दोबारा बोल देता हूँ मैं, जब 26 तारीख को पेमेंट देने उनके नए घर पे आए बाबा जी के, ये बोला और मैंने लिखा भी है सर, मैं पढ़ के बताऊंगा दोबारा। नई 26 तारीख को नई पेमेंट उनकी पेमेंट देने 233,677 रुपये देने घर पे आए, उनके घर पे आए गौरव जी, साथ में करण जी आए उनके ब्रदर हैं करण वासन, वो आए। तो इन्होंने मैनेजर साहब जो कह रहे हैं कि जब बाबा जी मेरे से पहले मिले थे और इन्होंने बताया उस टाइम जो वो पेमेंट दिए है, उसके बाद इनके बीच में कहा सुनी हुई तो उसके बाद वो पेमेंट दे के रिसीविंग करके चले गए, ठीक है, वो इतनी हुई, बस इतनी कहा सुनी हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई, कहा सुनी क्या हुआ था उसमें बता दो आप। एक सवाल सर बता दीजिए, यदि यदि ये बात आगे बढ़ती है और गौरव वासन बाबा जी के ढाबे के मालिक कांता प्रसाद जी के द्वारा जेल भेज दिए जाते हैं, तो क्या कांता प्रसाद जी को तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ गौरव ने वाकई गलत किया था? बाबा जी आपसे पूछे, यदि आपने जैसे कंप्लेंट की है, मैं कह लेता हूँ कि हाँ फ्रॉड हुआ है, पैसा मान लिया गया है गौरव वासन के द्वारा, और तो क्या वो यदि जेल चले जाते हैं इस चोरी और इस फ्रॉड इस 400 BC के चलते, तो क्या कांता प्रसाद जी को तसल्ली मिल जाएगी, दिल को ठेस लगी है पैसे की या जिस भी तरह से, वो पूरी हो जाएगी कि हाँ मैंने जिस बंदे को उससे मेरे साथ फ्रॉड किया 400 BC की प्लानिंग के तहत मेरी वीडियो बनाई गई और उसके बाद वो जेल चला गया, अब मुझे तसल्ली है? ये चीज तो जब वो सामने जब आएगा, नहीं आएगा नहीं, वो मैं कहूँ जेल जाएगा सर, आने के बाद ही तो होगा जो भी होगा, उसके पहले तो नहीं सकता सर। जी तो सही तो कह रहे हो, बाबा जी बता दीजिए, जबकि ओरिजिनल सामने आएगा तो तब की तब देखी जाए क्या होता है। उसमें दबाव बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं या अपना पैसा वसूलने के लिए सर? दबाव कोई नहीं है, ना कोई पैसा वसूलना, जो सच्चाई सामने आ जाएगी
तब की तब दूध दूध पानी पानी आया और ये पता लगा कि उसने फ्रॉड किया है, उसने 400 बीसी किया, पैसा उसने गमन कर लिया और वो जेल चले गए, तो क्या तसल्ली मिलेगी सर? उस तब की तब भाई गवर्नमेंट करेगी, हम थोड़ी करेंगे, तुम करोगे, ठीक बात है। आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ, आप लोग मुझे यहाँ तक पहुँचाए हो और आप लोग को जा समझ यहाँ तक पहुँचाऊँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आज भी कोई कहता है कि बाबा लालची है, कोई क्या कहता है, कोई गाली देता है। आज हम 80 साल की उम्र में गाली सुन रहे हैं और लोग बाग कोई कह रहा कि मैनेजर रख लिए, वो क्यों रख दिए, ये हमारे पास निस्वार्थ है, हमारे पास कोई चीज़ इन पैसे कोई नहीं लेता हमारे से। आज तक यही जो भी करते बड़े पैसे करते हैं, सुबह मैं खुद 6 बजे यहाँ पर 6:30 बजे पहुँच जाता हूँ, बस मेहनत करता हूँ। आज मुझे कोई लालच नहीं है, कोई कहते कि बाबा लालची है, पैसे लेके उगर गया, कोई कहता बाबा का ढाबा बंद हो गया, कोई कहता बाबा गिरफ्तार हो गया। अब बताइए 80 साल के बाद में नहीं मुझे सुनना था। अगर उनसे पूछा कि कितना पैसा मेरा है और आप यदि है तो दे दीजिए और नहीं है तो सर मुझे कोर्ट का दरवाजा काले कोर्ट के साथ खटकाना पड़ेगा। देखो बाबू, वो जल्दी टेलीफोन नंबर ही नहीं उठाते थे तो किससे बात करूं? ये बताओ, जब उठाते नहीं थे नंबर किससे बात करूं मैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने दिल पे हाथ रख के आप बता दीजिए, क्या गोरावासन ने प्लानिंग के तहत आपसे इस वीडियो को बयान किया? वी ऑलरेडी गिवन यू द आंसर, नॉट प्लानिंग। आप गलत चीज फिर बार-बार कर रहे हैं उसको। वी आर नॉट सेइंग प्लानिंग, वी आर सेइंग कि ये जो चीजें हुई है कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुई है और सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कंप्लेंट डाली गई थी। तो बाबा एक मान लो कि ये कह रहे हैं कि सर एक मिनट प्लीज, आप किस चैनल से पहले बताइए प्लीज। मैं हिंदुस्तान लाइव यूट्यूब चैनल, आई कार्ड दिखा दीजिए प्लीज मुझे। सर ब्लॉगर को हम अलाउड नहीं कर रहे हैं, अभी ये मीडिया का ब्लॉगर ने आपका मुकद्दर बदल दिया है और अब ब्लॉगर नहीं, नहीं सुनिए, मैंने कहा उसका अलग रखा है, हमने उसका अलग रखा है, ये बोल रहा हूँ, हम भाग नहीं रहे आपसे, इनके इस टाइम मीडिया कर रहा है, प्लीज आप अगर उससे ब्लॉगर थे प्लीज मुझे सर प्लीज आप समझिए प्लीज, आप पूछिए ब्लॉगर है प्लीज, आपको टाइम देंगे, हमने भाग लिया। जब पहले दिन जब ये विवाद उठा, जब आपने कंप्लेंट करी तो पहले दिन आपने बताया कि आपको कहीं से पता चला कि 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए, गौरव ऐसा कह रहा था, आपका अकाउंट आपने कहा सीज था तो वो नहीं आए, ठीक है, ये आपने कहा था, तो दो चीज क्लियर कर दीजिए कि एक तो क्या आपका अकाउंट सीज अब नहीं है, वो जो गलत जानकारी थी जो आपको कहीं से लगी थी, और दूसरा कितने पैसे आपके अकाउंट में आ गए, क्योंकि सीज नहीं है वो आप खुद ही कह रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कितने पैसे आए कितने नहीं आए हैं, आज तक मेरे पास पासबुक भी नहीं है कि जो मैं मुझे पता चले। तो भाई बैंक कह रहा है कि आपको सारी जानकारी दे दी गई है। मैं बता रहा हूँ, तो जब आप पैसे निकालने गए थे हाँ, तब उन्होंने आपको सब ये मुझे अमाउंट नहीं बताया गया था कितना अमाउंट है। अच्छा सर, थोड़ा सा क्लेरिफाई करता हूँ इसमें, थोड़ा सा ना ये एक चीज़ ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया, 10,000 मुझे अमाउंट नहीं बताया गया था। आपने पॉइंट बहुत अच्छा लिया है कि इसमें ये एक पॉइंट चल रहा है काफ़ी टाइम से कि ये पैसा नहीं बता रहे अकाउंट में कितना है, क्योंकि इनके अकाउंट में ये मैनेजर भी गए थे परसों, क्योंकि मैंने कहा था कि बैंक स्टेटमेंट जब हम उसकी भी ला रहे हैं तो अपनी भी ले आओ, तो मैनेजर ने इनको तो मना कर दिया, तो कहा बाबा जी को लगा, लेकिन इनका ऑपरेशन था परसों आइस का तो इसलिए जा नहीं पाए, तो अब शायद जल्दी से जल्दी वो भी निकाल देंगे। बट दी पॉइंट इज़ कि हम चीज़ों को अलग तरीके से दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो इशू चल रहा है वो पब्लिक का जो फंड गौरव के थ्रू इनके पास जा रहा था तो वो पैसे का इशू चल रहा है, यहाँ पे इनके पास जो आया वो तो पब्लिक ने दिया, वो तो हम एडमिट कर ही रहे हैं कि वो जो पैसा आया इनका हक का ना। 20 लाख का मतलब सर मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ उस 20 लाख को। उसमें क्या हुआ, जो गौरव की वीडियो देखी हमने उसमें वो गौरव कह रहा है कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपया आया, इनका इन्होंने कहा कि वो 20 लाख आया आपको कैसे पता चला, जब आप वीडियो देखेंगे तो कैसे पता चला आपको 20 लाख आया मेरे अकाउंट की डिटेल, क्योंकि गौरव ने एक वीडियो डाला जिसमें कहता किसी की पर्सनल डिटेल आप किसी को नहीं बताई जा सकती, तो इन्होंने पूछा कि कैसे पता चला, क्वेश्चन करा पूछा मैंने, आपने कहा मेरे 10 लाख आए, मैंने पूछा कैसे दिए कैसे पता चला, तो वो क्वेश्चन आंसर रहा, जिसकी वजह से इनको भी ये लगा कि वो 20 लाख उसके पास आया, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप क्या हो रहा है आपको मैं बार बार समझा, जब बाइट आप लेते हो ये खाना बना रहे होते हैं आपकी आधी बातें सुनते हैं आधी रह जाती है, 80 साल का बंदा ऊंची आवाज़ में सुनता है कान की वो होती है दिक्कत थोड़ी सी ये रह रहा है, लेकिन
ऐसा कोई नजरिया नहीं है। और कंप्लेंट अब उसमें बता देता हूँ, कंप्लेंट में 20 लाख कहीं नहीं लिखा हमने। अगर हम गलत थे, हमारे में 20 लाख की इशू था, तो पुलिस कंप्लेंट आप निकाल सकते हैं, उसमें देख लीजिए कहीं 20 लाख रुपए नहीं लिखा कि 20 लाख गायब है तो इन्वेस्टिगेशन करिए। बाबा जी ने बताया सर यही, तो अगर पैसा मेरा गायब होता तो मैं कंप्लेंट में लिखता 20 लाख रुपये दिया जाए मेरा। मेरी कंप्लेंट में सिंपल लिखा है इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, जो पैसा फंडर के थ्रू सॉरी डोनर के थ्रू मेरे पास आना था और थ्रू गौरव चैनल बोल रहे थे, तो पैसा कितना आया और कितना गया मुझे सिर्फ ट्रांजेक्शन चाहिए। आप उसे पढ़िए कंप्लेंट को, ट्रांजेक्शन पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन बोला गया। अगर गौरव भी दे देता इनको आके या भेज देता तो चीज़ें देख ली जाती, लेकिन सोशल मीडिया से लिख ली चीज़ें तो फैल गई ज़्यादा, ये रीज़न हुआ। सर अभी अभी प्रोसीडिंग सॉरी जो पुलिस कंप्लेंट है इन्वेस्टिगेशन चल रही है प्रॉपर्ली तरीके से, उसमें चीज़ें मंगाई जा रही है, लेकिन रीज़न जो लास्ट मेरी मीटिंग हुई थी, हम गए थे, बुलाया था वहाँ पे आईओ जो हैं उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि वो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है, 1200 1300 1600 पन्ने की स्टेटमेंट है, अलग अलग अकाउंट की है, तो सारी प्रॉपर अभी हो जाए तो मैं आपको कॉल करके फिर बुलाऊंगा। तो अब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। लोगों को क्या अपील करेंगे, जो लोग अभी भी शायद बाबा की मदद कर रहे हैं, तो क्या सर क्या कहेंगे आप लोगों को? बुलाने का मतलब ये था कि चीज़ों को क्लैरिफाई करा जाए, ना कि एक दूसरे के ऊपर गलत। देखिए रीज़न क्या है कि आपने एक फ़ंड दिया, लेट्स सपोज मैं एक गुरुद्वारे को एक फ़ंड देता हूँ और वो फंड मैं देता हूँ गुरुद्वारे को, उनके जो भी पाई जी होते हैं या मेरे जो मंदिर के पुजारी होते हैं, और वो फंड मंदिर में जाके वो उनकी जेब में जाता है, तब वो दिक्कत हो जाती है, तब वो इंसान कहता है कि क्यों गलत किया। तो सिर्फ रीज़न ये था कि क्लैरिफाई करना है इसको, और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई किसी के लिए नाराजगी नहीं है, किसी के लिए जब एक स्टे रखी जाती है किसी चीज के लिए तो वो स्टे गौरव आसन को इनवाइट कर रहे हैं कि पुलिस कंप्लेंट अपनी जगह पर है, पर जो मैं सिर्फ ये इनवाइट नहीं कर रहा किसी को, मैं कह रहा हूँ अगर गौरव जी को लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है, तो ये भी इंसान है, वो भी इंसान है, वो भी पारिवारिक है, ये भी पारिवारिक है, इन्होंने गौरव ने इनके लिए भला किया है, नो डाउट, कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन क्या पता इंसान से कोई गलती हुई हो। अगर उन्हें लगता है ये चीज़ें कि गलती कुछ है और कोई बातें हैं, तो कोशिश बाबा जी से करने में मुझे भी कोई अफसोस नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेज हो उनके लिए, लेकिन अगर बात करें कि हम मेरिट की बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट पुलिस इज फेयर डूइंग फेयर इन्वेस्टिगेशन, वो कर रही है, वो पार्शल बेस पे नहीं कर रही, वो अपने हिसाब से कर रही है, जो उन्हें पाया जाएगा फिर वो अपना स्टेप लेंगे। बाबा जी ने अपने को प्रेशर में पब्लिक के ना आते हुए चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए चीज़ें करी हैं, और बाबा अगर वो कहते हैं नहीं बाबा जी गलत नहीं है, वो भी नहीं कह देते हैं बात, तो चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो सकती है। चीज़ें लालची हो गए हैं, एटीट्यूड आ गया, काफ़ी चीज़ें लोगों ने दिखाई है, लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि बाबा जी अगर आप आज भी देखेंगे, अगर इतना पैसा आने के बाद एटीट्यूड आता तो शायद बाबा जी काम नहीं कर रहे होते, 6 बजे उठ के दुकान पे नहीं जाते और शाम तक वहाँ पे खाना खड़े नहीं होते, खाना बनाते रहते, और जब भी आपने बाइट लिए मोस्टली चैनल्स पे, आप देखिए उस टाइम आप जब बात कर रहे हैं तब भी वो खाना कंटिन्यू बनाए जा रहे हैं या काम करे जा रहे हैं, तो आपकी बाइट्स के दौरान वो रुके नहीं किसी काम के लिए। आज भी उनके एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, वो गरीब आदमी सवेरे 6 बजे अभी भी आ रहा है और शाम को जा रहा है, तो शेड्यूल में क्या चेंज हुआ जो आप लोग या सारे जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है ग्रीडी हो गए लालची हो गए, तो ऐसा तो अभी कोई चेंज आया नहीं, ये सिर्फ एक मुहिम चलाई जा रही है उनके खिलाफ, उनकी इमेज डैमेज करने के पर्पज से, क्योंकि वो सिर्फ अपने अधिकार के लिए जो पब्लिक का पैसा था जो उन्हें दान के रूप में मिला था उसको क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक डिमांड रखी, पहले कोशिश करी कि वो बात करें, उनसे पूछें चीज़ों के बारे में, क्लैरिफाई करें, जब वो क्लैरिफाई नहीं हुई तो उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए पहले एफर्ट्स डाले, और उस दौरान जब पहली पेमेंट आई उनके पास तो उस दौरान भी मैनेजर ये जो अवेलेबल हैं इनके साथ वहाँ कुछ उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ उनका, उनके ब्रदर का, उस वजह से इनको दिक्कत हुई, तो उसके बाद भी उन्होंने कोशिश करी कि वो कुछ पेपर दे दें, लेकिन आज तक कोई पेपर उनको पहुँचा नहीं। अगर वो कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया पर डाल दी चीज़ें, तो मेरे हिसाब से बाबा 80 साल के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, एजड पर्सन है, पुअर बैकग्राउंड से हैं, अनएजुकेटेड है, तो सोशल मीडिया पे जाके उनके लिए निकालना डाउनलोड करना ये बहुत पॉसिबल नहीं है, तो उस चीज़ों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, उस चीज़ों को दिखाया गलत तरीके से जा रहा है। तो इसमें थोड़े से पॉइंट हैं जो मेन रीजंस उठ रहे हैं, जो ये आपको मैनेजर साहब बताएंगे इसमें कि क्या रीजंस हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है। छब्बीस अक्टूबर को जब गौरव जी चेक देने आए थे तो वो इसलिए आए थे कि उसको पब्लिक ने ट्रोल करना स्टार्ट किया, उससे पहले वो पेमेंट देने नहीं आए थे, तो जैसे ही पब्लिक ने ट्रोल करना स्टार्ट किया वो पेमेंट देने आए, उसके बाद
मल्टीपल टाइम्स हमने उनको बताया, बोला कि आप हमें जो है हिसाब दीजिए, जो है अपने उनको रीच करने की कोशिश करी, तो उन्होंने मतलब हमारे को कोई भी इंक्वायरी नहीं दी, हमने इंक्वायरी करने की कोशिश करी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमें। उसके बाद फिर जब वो 26 को आए, थोड़ा सा हाथापाई हुई वहाँ पे और उन्होंने पेमेंट दी और बोला लेन देन ख़त्म है। उसके बाद हमने रीच करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं आया, तो हमने उनको यही बोला कि हम एक कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, हमने कंप्लेंट फाइल करी ताकि जो इन्वेस्टिगेशन हो सके और सच सामने आ सके। हाँ, अब मैं बात करना चाहता हूँ जो इश्यूज सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो सबसे मेन है कि गौरव जी ने अपने आईसीआईसीआई बैंक की स्टेटमेंट इशू करी थी सोशल मीडिया पे, जो 7 से 10 की है, 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक की है, बट हमने जो जवाब मांगा था उनसे वो हमने 26 अक्टूबर तक था मांगा था, जब लोगों ने उनको ट्रोल करना स्टार्ट किया। और हमने कंप्लेन में भी यही लिखा है कि 26 तक उनको कितना पैसा आया है, खाली हमने उसी की इन्वेस्टिगेशन की थी, बट रूमर्स ये फैल रहे हैं कि हमने उन पे FIR कर दी। और एक पेटीएम स्क्रीनशॉट ट्विटर पे वायरल हो रहा था निधि शर्मा के अकाउंट, ट्विटर अकाउंट से, जिसमें उनकी वाइफ का अकाउंट डिटेल्स थी, जो कि अभी ट्विटर अकाउंट रिपोर्ट हो गया, ब्लॉक हो गया था, बट अभी भी वो शो कर रहा है उस पे ट्वीट, जिसमें 3,30,000 की उनकी वाइफ के अकाउंट में वो क्लोजिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस 0 था और उस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस था 3,30,000, जिसमें से विड्रॉल भी हुआ था 3,28,000 अराउंड। और सोशल मीडिया पे एक स्क्रीनशॉट और शेयर किया गया था मल्लिका दुआ जी के इंस्टाग्राम अकाउंट से, जिसमें साफ साफ गौरव ने मेंशन कर रखा था, गौरव ने उसमें लिखा हुआ था कि बाबा के पास कोई भी अकाउंट नहीं है, बट बाबा के पास अकाउंट है, पहले दिन से ही है, ओल्ड अकाउंट है, और इनके पास नंबर भी था, जो कि गौरव ने अपनी वीडियो में भी यही दिखाया कि इनके पास कोई नंबर नहीं है। गौरव जी ने 28 को अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने 3 ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई जो उन्होंने डोनेट करी, तो उन तीनों ट्रांजैक्शन आईडी सेम थी तीनों की, जिसका नंबर था SB498800, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, ट्रांजैक्शन आईडी हर ट्रांजैक्शन की अलग ही होती है। पेटीएम जो पेटीएम की ट्रांजेक्शन है निधि शर्मा जी के नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शोइंग दी डॉक्यूमेंट टू यू, दिस इज द स्टेटमेंट दी निधि शर्मा हैज गिवन दी ऑन ट्विटर, आई हैव टेकन दिस निधि शर्मा जी के नाम पे, दिस इज द फर्स्ट पेज, नाउ टर्न टू द सेकेंड पेज, दिस इज द ट्रांजेक्शन शोइंग बाय द निधि शर्मा, the third page she is sending the paper which is showing that she is donating the money of 200 rupees to Vaishali Vasan, the account number is also, the mobile number is showing there, the which belongs to, you can go in Truecaller, you can check it, the particular the particular account number belongs to the Vaishali only, we have checked it, aur ye hai unka transaction detail jisme dikha raha hai अकाउंट नंबर सेम 9811226953, 3,30,664 रुपये, दी विड्रॉल इज 328664 और 2,000 पहले, स्टेटमेंट फ्रॉम 1st अक्टूबर टू 20th अक्टूबर। द सेकेंड वी आर गोइंग ऑन दिस नेक्स्ट पेज इज मल्लिका दुआ जी का ये अकाउंट है, जिन्होंने इसके साथ चैटिंग करी, जिसमें ये पूछा जा रहा गौरव वासन का ये प्रोफाइल है, जो टिक प्रोफाइल है, जो कहते हैं ऑथराइज और अप्रूव प्रोफाइल, वेरीफाइड प्रोफाइल, यू आर करेक्ट, तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि नीड आई हेल्प टू हिम विथ समथिंग, तो वो कहते हैं प्लीज़ गिव मी दी शी सेइंग प्लीज़ गिव मी हिज बैंक डिटेल, दिस इज़ नॉट अबाउट योर शाउट आउट, फॉर गॉड से ही डोंट हैव वन, ही सेड कि ही डोंट हैव अकाउंट नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन ही इज़ कन्फर्मिंग दैट, और अलियर 7-10 को जो पहली वीडियो जाती है, अगर आप गौर से उसे देखेंगे, उसमें यह बोला जा रहा है
इन लोगों के पास अपना मोबाइल भी नहीं है। आप 7-10 की वीडियो कभी भी चेक कर सकते हैं, जो फर्स्ट वीडियो हुई उसमें गौरव वासन ने खुद कहा है इन लोगों के पास अपना मोबाइल नंबर भी नहीं है, जबकि इनके पास बहुत पुराना मोबाइल नंबर है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है 9910536700। सब स्टॉल पे आप जब भी पुराना कोई वीडियो देखे स्टॉल्स पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो ऑलरेडी पोस्टर फ्लैक्स में दिख रहा है। अब दी पॉइंट इज कि गौरव इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस एंड फेमस गाय एंड ब्लॉगर हैविंग गुड फॉलोअर्स। तो फर्स्ट वीडियो वॉज अपलोडेड ऑन 7/10। व्हाट इज द इशू? सिंपल इशू ये था कि एक पेमेंट हुई इनके अकाउंट में जो गौरव जी के हेल्प से हुई, ये फेम में आए, पॉपुलर हुए, 7-10 को वीडियो जाती है, लेकिन 25-10 तक कोई पेमेंट इनको नहीं दी जाती है। 18 दिन पास हो निकल जाते हैं सर, कोई पेमेंट इनको नहीं आती, कोई एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं दी जा रही। उसके बाद जब पब्लिक उसे उन्हें ट्रोल करना शुरू करती है 26/10 से, कुछ सोशल मीडिया वाले उन्हें ट्रोल करते हैं, तो उसके बाद पब्लिक का एक हजूम आता है और जिससे चीज़ें इम्प्रूव होती है। तो गौरव विजिट करते हैं इनके घर पे, नए घर पे करते हैं बाबा जी के, और 2,33,677 पेमेंट हैज़ बीन गिवन थ्रू चेक। उस चेक की वो फोटो कॉपी लेते हैं और उसी वीडियो में 28/10 की उनकी एक और वीडियो आई है उसकी वो फोटो कॉपी लेते हैं और लिखते बोलते हैं वहाँ पे वीडियो के अंदर, मेरा और बाबा का कोई लेन देन नहीं है, अब हम इनका जो पैसा देना था सब दे दिया है। एंड उस पर उनके सिग्नेचर ले लेते हैं फोटो कॉपी पे कि पैसा मैं दे चुका हूँ, आज तक मेरा हिसाब क्लियर हो गया। अगर मेरा ये कहना है कि अगर उनका हिसाब क्लियर हो गया तो 26/10 को अगर क्लियर हो चुका है तो उसके बाद उन्होंने 27 और 28 तारीख को फर्दर पेमेंट 1,00,000 रुपये और 45,000 रुपये उनके अकाउंट में क्यों डाली? 1,00,000 रुपये NEFT के थ्रू डाली गई है, 45,000 रुपये की पेमेंट चेक के थ्रू डाली गई है उनके वाइफ के अकाउंट से, और इसकी इंटीमेशन बाबा को कभी नहीं दी गई क्योंकि NEFT खुद करी गई, चेक खुद भेज दिया गया। ये चीज़ हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाले ने बताया कि जी ये पेपर उन्होंने प्रोवाइड किया हमें, ठीक है। अब उसके बाद बैंक PDF अपलोड होती है गौरव जी की, जिस पे बैलेंस दिखाया जाता है 4,44,710 रुपये। वो उसमें कहते हैं -120,196 मेरी पेमेंट है, पुराना ड्यू था 6 तारीख का, पुराना कैरी फॉरवर्ड था उसमें, तो उसमें रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसको माइनस करने के बाद 3,24,514 रुपये ऑन दैट पर्टिकुलर डे। 9/9 में सिर्फ ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 9 के अंदर सिर्फ 5 या 6 ट्रांजेक्शन ही दिख रही है, 7-8 है, पता नहीं अब वो पूरी ट्रांजेक्शन 9 की है नहीं है, मुझे भी नहीं पता, शोर नहीं हूँ, लेकिन बट ऑन नॉट अमाउंट। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उस 26 तारीख को अगर उनके पास 9 तारीख को पेमेंट आ गई थी, कितनी? 3,24,000 रुपये, तो 26 तारीख को मुझे पेमेंट 2,33,000 क्यों दी? अगर उनके अकाउंट में PDF में ही दिख रहा है 3,24,000 रुपये पेमेंट आ गई उनके पास, तो 2,33 की पेमेंट देते हैं मुझे 26 तारीख को और बोलते हैं कि मेरा ड्यू क्लियर है, क्यों? और इस दौरान 9 के बाद वो पेमेंट आने के बाद 9 की स्टेटमेंट के बाद 12 तारीख को एक के कटिंग सेरेमनी करी उन्होंने, आए केक काटे, वीडियो डाला हुआ उन्होंने खुद, ये उन्हीं के एविडेंस है, सारे उन्हीं के डॉक्यूमेंट है, हमारा कोई नहीं है इसमें। 15/10 को मीनाक्षी दत्त जी आती हैं, उस दिन भी वो फोटो खिंचाने आते हैं, केक काटने भी आते हैं वो वहाँ पे। 22/10 को अपार शक्ति जी आते हैं, तो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है 12, 15 और 22, 3 दिन वो आते हैं लेकिन पेमेंट का चेक हमारे पास देके नहीं जाते हैं। ट्रोल होने के बाद पब्लिक की सपोर्ट के बाद दोबारा 26 को पेमेंट देने आते हैं क्योंकि पब्लिक में वायरल हो गई है चीज़ें दोबारा और क्वेश्चनिंग शुरू हो गई है पब्लिक की। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में कि अभी तक गौरव जी ये नहीं बता रहे कि रीज़न टू शेयर हीज एंड हीज फैमिली मेंबर्स अकाउंट बैंक डिटेल मोबाइल नंबर क्यों करा जा रहा है सोशल मीडिया पे। इन्होंने किया ही क्यों है, इनिशिएटिव इन्होंने बहुत अच्छा लिया, बाबा जी के लिए बहुत अच्छी मेहनत करी, तो इनका पर्पस क्या था उसको करने का? अगर कोई अच्छा पर्पस था तो वो क्लेरिफाई करें कि क्या पर्पस था, वो कर नहीं रहे उसमें आके। और बाबा जी के पास जबकि पुराना नंबर था, पुराना बैंक अकाउंट था, तो वो ज़्यादा अच्छा करते कि उसको चीज़ों को उसको उसी को अकाउंट में डाल देते, क्यों इनको इशू ना होता ये चीज़ें। और अगर ये चीज़ें अगर बाबा जी, मैं कह रहा हूँ कि गरीब है इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा सकता, तो ये बहुत गलत है। और बाबा जी ने उसको अगर कंप्लेंट करी है तो वो इसलिए करी गई कि कम्युनिकेशन गैप हुआ इनके बीच में, इन्होंने कोशिश करी उससे बात करने की, समझने की। हम मेरे पास भी जब आए तब भी इन्होंने कोशिश करी कि वो करें उसे, लेकिन वो जब कम्युनिकेशन फेल हो गया तो लास्ट में ऑप्शन बचता है सिर्फ, क्योंकि पब्लिक का इतना प्रेशर आ रहा है इनको, अभी भी इनके व्हाट्सएप मैं कोई भी चेक करना चाहे कर सकते हैं, कम से 300 मैसेज हैं जो गालियों से भरे हुए हैं,
गलत एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है वहाँ पे, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आ रही है इनके खिलाफ कि आपने, क्योंकि लोगों को लग रहा है इनको पैसा जब मिल गया तो ये क्यों नहीं उसको बोलते कि हाँ मिल गया, ये बता कैसे दें, लेकिन इनको पता ही नहीं पैसा कितना है मेरे पास। और ये स्टेटमेंट ही बोल रही है कि उस सच डेट 9th पे पेमेंट अमाउंट अलग है और दिया कुछ और जा रहा है 26 को, और उसके बाद बिना इन्फॉर्मेशन के पेमेंट डाली जा रही है अकाउंटों में। और एक चीज़ बहुत काफ़ी आप लोगों ने किया था, आप मीडिया में काफ़ी चला था कि फ्रीज अकाउंट था इनका जब मैं पैसे जमा करने गया 75,000 रुपये, एक इशू बहुत चल रहा था। तो मैडम मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग RBI रूल्स गाइडलाइंस कहती है फ्रीज अकाउंट में चवन्नी भी जमा नहीं हो सकती, फ्रीज अकाउंट में कोई पैसा जमा ही नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि फ्रीज अकाउंट में मैंने जमा करा, उन्होंने मुझे रसीद देने से मना करा। रसीद अगर पेमेंट जमा हो जाए तो बैंक इज़ ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड द रिसीप्ट, आपको रूल है वो भी RBI का। और अगर जमा नहीं हो सकता फ्रीज अकाउंट में, पेमेंट जमा हो ही नहीं सकती, तो ये चीज़ें कहीं। और उसके बाद अभी लेटेस्ट कोई वीडियो देखिए कल परसों, उसमें कह रहे हैं कि उसमें रसीद मिल चुकी है, अब दे चुके हैं यार कुछ है, उसमें नई चीज़ आ गई इम्प्रूवमेंट। तो ये फैक्ट्स हैं, बाकी आप जो पूछना चाहे बाबा जी से पूछ सकते हैं। मैं इस सारी बातें जो है वो लीगली